अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, ठीक ठाक कह रहे थे? आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही ऐसी मस्ती से जो कि नमल में बहुत ही मशहूर है, ठीक है। और एक मंथ में उसने कोई 5,000 सब्सक्राइबर गेन किए, ठीक है। उसके अलावा उसकी गेम बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू उसने इसने एक मंथ ब्लॉग बनाए थे जो कि मतलब बहुत ही जाने माने ब्लॉग इंसान है। वो हमारे सामने इधर खड़े हैं, वासिफ निसार वाले नौली सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में। गला बंद हो गया सर मेरा। क्या हालात हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। समाचार कैसे हैं? और रमजान में जो गेम उठाया सर, उसके लिए आपको पहले गेम तो उठाया, लेकिन आपने एक बात झूठ बोली है कि 5,000 सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं है, शायद 2,500 आए थे या कुछ इस तरह। कितने थे उससे पहले? मतलब उससे पहले थे शायद 2,500 एक जब मैं देख रहा था उस टाइम थे कोई 4,000 और उसी टाइम अभी 8,000 हो गए। लेकिन वो ऐसे बढ़े ना रमजान रमजान में नहीं बढ़े थे ज्यादा, आई थिंक ज्यादा तो रमजान में ही आए थे, 2-3 महीनों में बने सर। अच्छा, रमजान में काफी है। सही 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 सही। और एक और चीज यार, वासिफ ने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, पॉडकास्ट, उसके लिए भी यार वासिफ अली का इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू हो गया है। सिगरेट नहीं है, सिगरेट नहीं पीता यार। मेरा इंटरव्यू हो गया है, ठीक है, वो इस वीक के लास्ट तक आएगा। और ब्रॉडकास्ट का सीन बहुत ही मतलब मजे का सीन है, ठीक है, उसमें बहुत मजेदार सीन है और बहुत अच्छा है। सब लोग देखें जो जो ब्रॉडकास्ट के शौकीन है। बाकी वासिफ से पूछते हैं कि यार वासिफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई तुम्हारी, ठीक है, सारा कुछ सीन। सही है। तो सर जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई ना कि मुझे एक बात किसी ने बताया कि यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, ठीक है, वापन भी कमाएगा। मैंने वीडियोज बनाना शुरू की, पहले कोई गेमिंग चैनल बनाया, 2 वीडियोज बना के छोड़ दिया। फिर मैंने बताया कि हाउ टू चैनल बनाया, वो भी बना के छोड़ दिया। फिर मैंने चैनल बनाया क्रिकेट टीवी टाइप के, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और वो तकरीबन चला काफ़ी टाइम तक, 2 साल तो उसमें मैंने काम किया, 60-70 वीडियोस बनाई। सही। तो उसमें मैं सामने नहीं आता था, फेसलेस होता था, मेरी सिर्फ वॉइस ओवर होता था। शायद थे मतलब? हाँ शायद था, मतलब पहली बार तो मेरे लिए वॉइस ओवर करना भी मुश्किल था ना, कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर ऐसा फ्लो बनता गया, वॉइस ओवर में मैं फ्लुएंट हो गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये वर्थ इट चीज़ नहीं है, बहुत बकवास चीज़ है। तो मैं काफ़ी व्लॉग्स देख रहा था यूट्यूब पे, शावीर जाफरी हो गया और इस तरह मोरू वगैरह, काफ़ी लोगों को देख रहा था। मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो पहली बार तो मैंने कैमरा उठाया तो मैं बोलने के काबिल ही नहीं था, ठीक है, मतलब कभी लग रहा कि यार आंखें बड़ी आई हैं, नाक छोटी आई है, नाक बड़ी आई है, रूल की बात है, ठीक है, जो सोचनी भी नहीं चाहिए। पहली बार हर किसी को ये होता है, और इवन कैमरा से बात करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कोई कहता जाके कहीं तकरीर कर ली, शायद वो भी नहीं कर पाता, लेकिन व्लॉग करने से ज़्यादा आसान था, बहुत कैमरा शायद हमें। लेकिन स्लोली बट ठीक होता गया, मेरा फ्लुएंट होता गया। शुरू में मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं व्लॉग बनाते हुए ना ज़्यादा बातें ना करूँ, लाइक मैं सिनेमेटिक वीडियोज बना लेता था, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि बोलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आहिस्ता बोलना बहुत ईजी हो गया अब, मैं सिनेमेटिक को तो दूर तक टच ही नहीं करता, बल्कि इवन सॉन्ग भी नहीं आता, सॉन्ग भी बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैंने काट दिया, क्योंकि उससे भी डिस्टॉर्शन नहीं आती है किस्म की, जिस तरह का मेरा कॉन्टेंट है उसमें। तो बिल बहुत अच्छा। अच्छा, तो भाई हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो के वासिफ के व्लॉग में और भी मतलब मजे का सीन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अली जान, मेरी आन, मेरी शान, बहुत ही थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, प्यारे भाई हैं मेरे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली मामलाती जो है वो वासिफ के व्लॉग में मतलब सारे जो मजे की चीजें थी वो यही करते हैं। आजकल थोड़ा सीरियस हो गया बंदा, मगर पहले बहुत ज्यादा फनी था। वैसे सीरियस होने की क्या वजह है? सीरियस नहीं होता असल में, बात यह है कि आजकल मैं ना कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ, हाँ, उस प्रोसेसिंग में ना अब ना मतलब सेल्फ चेंजिंग करा अंदर से। बस ऐसे भाई लोग कहते हैं ना, कह रहे कि खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नू, खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नू, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। ये थे अली भाई। उसके बाद हमारे पास है उस्मान भाई जो कि फिलहाल अभी वासिफ के ब्लॉग में आ रहे थे। किधर देखें हर जगह कंटेंट। मैं उन लोगों से मिला रहा हूँ जो लोग वासिफ के ब्लॉग में ना चार चांद लगाते हैं, उनमें से आप एक हैं। आप उनमें से आप एक हैं अली जो कि शायर हैं, वन एंड लोनली, और ये वासिफ के ब्लॉग में बहुत कम आ रहे हो आजकल, क्या सीन है यार? यार वासिफ के ब्लॉग में इसलिए कि वासिफ को शायरी पसंद नहीं है और इस वजह से शायद वो मेरे पे कैमरा भी नहीं लाता। ओह शिट, ये और मैं मतलब तुम आते हो यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं शुगर मेले वाला बंदा नहीं हूँ। सही, शायद एक ये भी बात है। हाँ, बहुत ही सीरियस इंसान हो सर। और मैं आपको कुछ और क्या बता अपने बारे में, बस चल मैं कुछ सुना देता हूँ। अच्छा चले इशाद के उम्र भर की कहानियों के साथ,
उम्र भर की कहानियों के साथ बहते जाएंगे पानियों के साथ, और जिंदगी तो गुजार दूंगा मैं तेरी सारी निशानियों के साथ, और तू मुझे देख आके दरिया पर, तू मुझे देख आके दरिया पर, अश्क बहते हैं पानियों के साथ। माशाल्लाह सर, बदगुमा जीत से तो बेहतर था, बदगुमा जीत से तो बेहतर था, हारते खुशगुमानियों के साथ, और इश्क में हार जाते हैं जो लोग, इश्क में हार जाते हैं जो लोग, अब अपनी तरफ कैमरा करना, इश्क में हार जाते हैं जो लोग, करते क्या है जवानियों के साथ। आए, आए, सर, वाह सर, क्या बाकी हमारे पास है हसन भाई, जो कि मतलब खुद आजकल बहुत ही फेमस हो गए, ठीक है, गेम उन्होंने उठाई है वासिफ के यार, और जोया जुबैर जो जी आ रहे हैं, और टिकटॉकर भी बहुत से 132K व्यूज जब मैं इससे मिला था उस टाइम ना, ये जी आर थी, ठीक है, और वासिफ के ब्लॉग में ऐसे जी आर का वो कर रही थी कि मतलब क्लासेस में अटेंडेंस वगैरह का सीन बहुत अच्छा, बहुत खूब, ये भी वासिफ के ब्लॉग में सीन करती है। अली को मैंने वो इंट्रोड्यूस कर लिया था, बाकी हमारे हसन भाई, ठीक है, जो भी मतलब वासिफ के ब्लॉग में ये भी आते थे, और वासिफ ने इसको मेरे ख्याल में वो किया ब्लॉग्स बनाने के लिए, ठीक है, इधर खींच किया और मैं बना रहा हूँ, और ये मेरे साथ है मैन एंड मास्क अली, आज माशाल्लाह अव्वल तैयार होके। अली भाई सच सच बताएं, ये आप पिछले एक डेढ़ हफ्ते से बहुत तैयार होके आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन असाइनमेंट प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट यही चल रहा है, लगता है फिर आपके भी कन्वेक्शन आने लगे हैं, बहुत मुश्किल है, इसके बाद लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा वासिफ से पूछते हैं कि मतलब सीरीज के साथ ब्लॉगिंग वगैरह और फील्ड आसिम भी करते हैं ना, तो सारा कुछ मुश्किल नहीं होता, वासिफ की आसिम ने मुश्किल नहीं होता यार, बांध दे यार सच्ची बात बताओ ना, तो लड़के हुए काफी ज्यादा, जीपीए डाउन चल रहा है 3 से, असाइनमेंट कोई की नहीं, सेमेस्टर की ख्वार हो रहे हैं, अभी टेंशन है कि अटेंडेंस शॉर्ट होगी, और क्या गया तो मेरे दुखड़े पूछना चाहता है, ये बता। नहीं मैं बता रहा हूँ, फिर भी कैसे मैनेज करता है तू? क्या मैनेज तो नहीं हो रहा, ख्वार हो रहा हूँ। देखो असलियत बताया करो, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा है, सच्चाई है, नहीं बोलो ना, क्या मेरी प्रायोरिटी भी यूट्यूब है, लेकिन पास होना है सर, देखें पास तो हो गए वो क्यों नहीं हो गया यार, कचरा करते हैं लोग यार, ये मरियम यार बहुत बहुत गलत बात है, ये लोग यहाँ भी लड़ रहे हैं यार, बच्चे हो यार, छोटी बच्ची हो गया भाई। अभी मुझे एक और बात पता चला, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट का सीन उन्होंने स्टार्ट किया है, आज उसका गेस्ट हमारे साथ है हसन भाई आज आप, हाँ आज आप गेस्ट बनने वाले हैं, तो क्या राय है आपके, मतलब बहुत फखर फील हो रहा है, मतलब मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं यार, सोचा ही नहीं था वासिफ की ब्रॉडकास्ट पे आऊंगा, इतना बड़ा इंसान साथ मरियम रीलर, हाँ मरियम दोनों, चले यार तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, मैं बहुत नर्वस हूँ, रीलर क्यों, यूट्यूबर है वो, नहीं टिकटॉकर है, बस यार टॉपिक चेंज ना करना दोबारा से यार, तू बता नसीन, हाँ वो उनसे पूछे ना, वो होस्ट है, ये बंदा किधर है, ये बंदा तो यार वासिफ लोग से शान आन बान सब कुछ है यार, इसलिए लाल है बोल रहे ना क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन खराब गई है, वो वीडियो मैंने भी देखा था यार, इतनी मजे की होगी, क्या बोला मैम ने, मैम ने बोला काम करो मैं आपको पूरे नंबर देती हूँ, अगर आपने कुछ जितने लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया किसी का भी टॉपिक आपने गौर से सुना होगा, उधर गए ना प्रेजेंटेशन देने, एक मिनट पीछे पढ़ रहा है, सुबह से अल्टरनेशन चार दफा इस तरह फंसा ना, मैम कहती है तूने पढ़ा, कहती है नहीं मैंने नहीं पढ़ा, तो मैम कहती है जा पहले पढ़ के आ फिर आगे दही, फिर बेचारा 3 घंटे बैठ रहा है उधर ही यार, ये क्या हो गया रोफ तेरे साथ यार, देख के नहीं पढ़ा गया इसे, रीडिंग कर रहा था, ठीक है हमारी तैयारी पहले नहीं थी, अलेक्जेंडर पता नहीं कोई रशियन नाम डाल दिए थे उसमें, अब मैंने ना सुने ना मुझे आते हैं पढ़ना, तो उसमें फंस गया, ऊपर से मैडम ने पूछा आपने किया, मैंने कहा नो मैम, अभी मैडम का कहा है ना कहते हैं कि मैं आपको पूरे नंबर दूंगी, आप अगर अभी तक जितने प्रेजेंटेशन में कोई भी एक मुझे बता दें कि क्या हुआ था उसमें, मैंने बॉडी शेमिंग वाला बता दिया, तो आगे से कहते हैं कि आई लाइक योर ऑनेस्टी, आपने मुझे खुद बताया कि मैंने नहीं किया इसमें कोई, इन्होंने किया, आपको नंबर दूंगी, और हम भी आपकी यूनिवर्सिटी को बहुत लाइक करते हैं, बाकी बहुत अच्छे गाने गाते हैं, ऑनेस्ट बनता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत प्रेजेंटेशन दे रही थी सही है, मैंने कहा ईशा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो वो सामने इशारों में बात कर रहे, मैंने कहा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कहते हैं नहीं नहीं प्लीज प्लीज, मैंने कहा पैसे किधर है, वो मेरा बैग पड़ा है बटवे में वहां से निकाल लो, फिर मैं निकालने वाला, फिर मैं कहा चलो जी छोड़ कोई बात नहीं, आए हाय मुझे भी धमकियां दे रहा था क्वेश्चन पूछ, मैं पूछ ले जितना मैं पढ़ के आया, मैंने खुद तो तेरी फटी थी ना, ना जी मैंने इतनी फटी, मैम ने मेरा नाम लिया, मैम कहती है आप अपना नाम वापस बताओ सही तरह, उस्मान वसीम, क्योंकि क्लास में दो उस्मान है, मैम कहती है आपको नंबर ज्यादा दूंगी, आपने
ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। गुड जी, नहीं जी पूछ ने क्या लगा है हैशटैग बेहुदा मायरा हैशटैग और वो हैशटैग जो यूज किए ना इसने क्लास में तो शर्म तो इसको आती नहीं है। तो यार प्रेजेंटेशन में आप ऐसे हैशटैग यूज हुए हुए मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात है, सही बात है। अब लोग अब ऐसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी ये लोग हैं ना जो वासिफ के ब्लॉग्स में ना चार चांद लगाते हैं, इस ज्यादातर इनकी वजह से ना ब्लॉग का जो वो होता है हाई लेवल हाई लेवल पे जाता है, ठीक है। और बाकी वासिफ इधर के गए वो आता है तो फिर उससे उठ सवाल। अभी हम जा रहे हैं बिरयानी खा रहे हैं एज यूजुअल जो हम काम करते हैं कि हम कोई ना कोई किसी एक को केला हम मतलब वो गोली कराते हैं, ठीक है। तो अली भाई को हमने गोली कराया, ठीक है यार। पता है क्या पैसे कम थे तो मुझे भी जो खिला रहे थे वो कहते हैं पैसे कम है तो अली को डिच करा दो। तो तो अब क्या कह सकते हैं, अब जो इनवाइट कर रहे हैं हम खुद तो लेके नहीं जा सकते, इनवाइट जो करते हैं आ गया अली आ गया पीछे भाई पीछे क्यों आ रहे हमारे यार, तुम लोग हमारा आगा क्यों कर रहे हो, आगा क्या मतलब, चलो हम उस तरफ जाते हैं। नहीं आ रहा जो भागो यार, नहीं जो मुझे उर्दू की बहुत उधर से जा रहे हैं। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो चलो अभी पॉज हुई है जमीन जरा, नहीं तुम लोग जाओ ना हम तुम्हारे पीछे आते हैं। जमीन साकर अली एक काम करो उधर चलो, हाँ आ जाओ हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नहीं यार तुम नहीं पीछा छोड़े यार, कितना पीछा कितना पीछा करेगा जितना तू आगा करेगा जितना तू आगा करेगा उतना पीछा करेगा। हाँ हम नहीं जाने तुम लोग यार कौन हो, कौन है यार ये लोग, कौन हो तुम यार, बस ना यार। एक और सीन ऐसा है कि मतलब हमेशा कहते ना गोली करवा के फिर अपने लिए खाने जाते हैं, गोली कराने में अपना मजा है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आती है सही में। और शुगर मेला पैसों वाला कोई चक्कर ही नहीं है, गोली कराने में मजा आता है। हाँ मतलब फिर बाद में उसको बताओ कि हमने ये किया है ना, तो हाँ, फिर जब वो कहता ना तो यार क्या यार मेरे को यार तब जाता है वो केला खाता है बिल्कुल हमें मजा ये सीन इसी के लिए। और हम जा रहे हैं मेले के लिए करते हैं और कोई चक्कर ही नहीं, सही बात है। अभी हम इन्हीं जा रहे हैं वैसे लोग इधर हैं कुछ खिलाएंगे हमें खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या। पहले प्लेन बना था मेन कैफे का तो हम लोगों को डिश करा के इधर उधर से फिर के आ गए थे, मैं नहीं जा रहे हैं अभी। फिर वो बोल रहे हैं कि मिनी आ जाओ यार, खुद बोले धूप है और हमें घुमा रहे हैं, इसने पहने ब्लैक शर्ट पहने थे चलो फिर भी ब्लू कपड़े पहने, बहुत गर्मी लग रही बहुत ज्यादा। अभी जाएंगे मैं मिनी तो देखते मिनी में वहाँ क्या खिलाते हैं आज। क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग सारे, सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करके जाया करें और शेयर बहुत जरूरी है।